नमस्कार, आप देख रहे हैं आंकड़े हमारा फैसला आपका और मैं हूं आपके साथ मनोज। मनु सनातन पर एक बार फिर से सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। दरअसल विपक्षी गठबंधन की तरफ से सनातन को लेकर एक और विवादित बयान दिया गया है। पहले समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य थे और इस बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एन के स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन हैं। इन्होंने तो सनातन के खिलाफ बोलने में सारी हदें पार कर दी है। मच्छर, डेंगू, फीवर, मलेरिया, कोरोना से सनातन की तुलना कर दी है। उदयनिधि स्टालिन के बयान पर बीजेपी आग बबूला है। वहीं विपक्षी गठबंधन से माफी मांगने की बात की जा रही है। बहुत ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है, उदयनिधि स्टालिन के बयान को मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने भी इशारों ही इशारों में समर्थन दे दिया है। तो वहीं विपक्षी गठबंधन के कई नेता ऐसे हैं जो खुद को सनातनी मानते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो क्या माना जाए कि छोटे स्टालिन के बयान पर विपक्ष में घमासान होगा और विपक्ष की तरफ से इस तरह के बयान दिए जाएंगे तो वो वोट किससे मांगेंगे? और इसी सवाल को लेकर बीजेपी विपक्षी गठबंधन पर हमलावर है कुछ इस तरह। ये बार बार प्रयास घमंडिया गठबंधन के एक के बाद दूसरे नेता ने किया है हिंदुओं पर वार करने का, चाहे वो शब्दों से हो, बम से हो या उनको कुचलने की बात हो। राम नामी का जुलूस अगर बंगाल में निकलता है तो बम और गोली चलाई जाती है। बिहार में रामायण पर और मां सीता पर अपशब्द कहने वाले और यूपी में ये घमंडिया गठबंधन के नेता नहीं थकते। हिंदू आतंकवाद कहने की होड़ कांग्रेस में एक के बाद दूसरे नेता की लगी है। आखिर इनकी मंशा और मानसिकता क्या है? Kind of bankruptcy, a mental bankruptcy is what we are witnessing in the heads, in the minds of people who have shown disrespect to Sanatan Paramparas, who have no knowledge about their living traditions, who have no knowledge about their heritage and culture. And this is the question which is left for the dotted existence of this mindset which post-colonial period India has witnessed and pre-colonial period also India has witnessed. For several centuries we have witnessed this mindset, but the question is today people have started to react, today people have started to question all of them, and I am questioning through you to my straight question to Congress and Aam Aadmi Party, do they bear the same mindset of hating Sanatanis and they want to vanquish Sanatan Dharm and Sanatani? Sanatan धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से की है। क्या मतलब है इसका? और उनके साथ कार्तिक चिदंबरम भी, चिदंबरम साहब के पुत्र जो भ्रष्टाचार के आरोप में गंभीर ट्रायल फेस कर रहे हैं, वो भी हैं और वो भी कह रहे हैं सही है। बड़ा सवाल आपके सामने मैं ये उठाने आया हूं कि राहुल गांधी क्यों खामोश हैं? दो दिन हो गए, राहुल गांधी जी तो कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, अपने गोत्र की बात करते हैं, मंदिर मंदिर घूमते हैं, जल चढ़ाते हैं। तो मतलब हम जब कहते थे कि आप पाखंड करते हैं तो साबित हो रहा है ना वोट के लिए। बीजेपी के हमले यहीं पर नहीं रुके, बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है कुछ इस तरह। कोर्ट की कार्रवाई तो चलती रहती है, एक स्वतंत्र प्रक्रिया है। लोग जो भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, कोर्ट जाएंगे, निश्चित तौर पर जाएंगे, FIR भी होगा और उसकी जो परिणति होगी वो तो लंबी होगी। लेकिन जिस तरह से ये INDIA गठबंधन बना है और उस गठबंधन में कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष हैं सोनिया जी या राहुल जी, उनका अभी तक कोई बयान नहीं आया। मैं जिस राज्य से आता हूँ, हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं, इन सबों का एजेंडा जो है इसके साथ लागू दिखाई देता है कि INDIA का जो गठबंधन है वो हिंदू धर्म के खिलाफ है, सनातन धर्म के खिलाफ है और उदयनिधि स्टालिन जो हैं वो केवल उनके चेहरे बनकर उभरे हैं। जब एक के बाद एक बीजेपी के हमले हो रहे हैं तो कांग्रेस कैसे चुप बैठेगी? मनोज तिवारी इस मसले पर क्या कहते हैं वो सुनिए।
चिदंबरम के बेटे, इनका ये जहरीला बयान, इनका इस देश की, जो हमारी समाज की, कौमी एकता की जो सबसे बड़ा आधार है, उस पे चोट करके देश को एक बहुत संकट में डालने वाला बयान है। लेकिन हमारा इन दोनों नेताओं से जो लोग जुड़े हुए हैं, आज उनसे एक सवाल है। इस बयान की जितनी भी निंदा की जाए उतना कम है। मैं मनोज तिवारी, दिल्ली का एक सांसद, इस देश का एक कलाकार, मैं प्रार्थना करता हूं सभी सनातन धर्म के लोगों से कि इस पे आप बिल्कुल अपना आपा मत खोना। ये देश में अशांति फैलाने का, नफरत फैलाने का इनका एक प्रयास है, और हम जितने भी कड़े शब्दों में इसकी निंदा कर सकते हैं करेंगे। लेकिन आज एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो लोग इनकी पार्टी के साथ खड़े हैं, गठबंधन बना के खड़े हैं, वो लोग दो दिन से क्यों चुप हैं? मैं दिल्ली का सांसद हूं, इसलिए मैं डायरेक्टली अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि दो दिन से आपका न तो कोई आपत्ति आया है, न खंडन आया है, और न तो आपका गुस्सा दिखा है ऐसे बयान के ऊपर जो सनातन धर्म को समाप्त करने वाला है। मेरा भी वही सवाल है कि जब लगातार बीजेपी एक के बाद एक हमले बोलती है तो कांग्रेस चुप कैसे रह सकती है? लेकिन फिलहाल कांग्रेस चुप है। कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता का बयान इस पर नहीं आया है, और बीजेपी एक के बाद एक हमले कर रही है। उदयनिधि के सनातन पर दिए गए बयान पर हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल बिल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, वो क्या है सुनिए। के सभी नेताओं को भी अपना पक्ष चुनना है, उनको बताना है कि वो स्टालिन की विचारधारा के साथ हैं या सच्चाई के साथ हैं। उधर उदयनिधि के बयान पर विश्व हिंदू परिषद में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है, वो क्या कहते हैं सुनिए। देखिए, कांग्रेस मुक्त भारत और इरेडिकेट सनातन दोनों बड़ा अंतर है। हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये कोई ऑफेंड बयान नहीं है, अचानक फिसली हुई जवान नहीं है, और न ही कोई अचानक निकला हुआ कोई स्टेटमेंट है। आप देखिए, वो जो कॉन्फ्रेंस थी, कॉन्फ्रेंस का शीर्षक ही इरेडिकेट सनातन है, और जिसको लेकर के उन्होंने स्टार्टिंग में ये कहा था कि आई एम प्राउड ऑफ दी सब्जेक्ट। मुझे अच्छा लगा आपने ये नहीं कहा कि भी दी अपोज दी सनातन, उन्होंने साफ साफ कहा था कि वी लव टू एरेडिकेट दी सनातन। इसका मतलब क्या है भाई? एरेडिकेट का सामान्य डिक्शनरी मीनिंग अगर कोई जानता हो तो समूल नाश ही है, और समूल नाश का मतलब क्या होता है, एक्सप्लेनेशन कोई कितना ही दे। तो बीएचपी के नेता विनोद बंसल ने व्याख्या बताई और ये बताया कि सनातन है क्या। लेकिन उदयनिधि के बयान के बाद इंडिया गठबंधन के नेता काफी परेशान दिख रहे हैं, क्योंकि तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जवाब मांग रहे हैं, कांग्रेस के बड़े रणनीतिकारों से जवाब मांग रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी बयान आया है, कांग्रेस की तरफ से बयान आया है जो ना निकलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। एक्चुअली हमारा व्यू वेरी क्लियर है, सर्व धर्म भाव समभावना, सर्व धर्म समभावना इज द कांग्रेस आइडियोलॉजी। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैव देयर ओन फ्रीडम टू टेल देयर व्यूज। घसीटते हैं बार बार, क्या इनका खाना नहीं हजम होता? अरे, डीएमके अलग पार्टी है, कांग्रेस अलग पार्टी है, और अगर डीएमके ने इस तरह का बयान दिया है तो इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। कांग्रेस तो हमेशा सेकुलरिज्म की बात करती है, धर्म को व्यक्तिगत आस्था का मामला होना चाहिए, संविधान भी यही करता है। तो जब आप इधर से कहते हो तो उधर से रिएक्शन हो रहा है।
तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है सनातन का अपमान करने के लिए। हर जगह आप अपनी विचार को थोपेंगे तो रिएक्शन तो होगा, उनका अपना विचार है, आपका अपना विचार है। कांग्रेस का सर्वधर्म सम्मान है। तो कांग्रेस के कुछ नेताओं के ये बयान आए, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता क्या कहते हैं, वो क्या मानते हैं इस मसले को लेकर, तो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। किस तरह से देखिए। जितना भारतीय जनता पार्टी ने किया है इस धरती पर किसी पार्टी ने, किसी व्यक्ति ने उतना अपमान नहीं किया जितना भाजपाइयों ने किया है। अभी एक सांसद महोदय थे, उन्होंने सदन में क्या कहा था मैं आपके कैमरे पे बोल भी नहीं सकता। विस्की में क्या बसे और ठर्रे में क्या बसे आप बताइए। उसी व्यक्ति को कंधे पे बिठा के अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। तो हिंदू धर्म क्या है वो कम से कम अमित शाह और भाजपाइयों से नहीं सीखना है। हम लोग हिंदू धर्म को मानते हैं और हिंदू धर्म का संदेश है वसुदेव कुटुंबकम। हिंदू धर्म का संदेश है रामचरितमानस की चौपाई है सब नर करें ही परस्पर प्रीति। ये हमारा संदेश है। अमित शाह से थोड़ी सीखना है हिंदू धर्म। तो धर्मगुरुओं और बीजेपी आक्रामक रवैये को देखते हुए बीएसपी नेता दानिश अली ने इस पूरे मसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, वो क्या कहते हैं सुनिए। का द्रविड़ियन मूवमेंट का सवाल है, पेरियार के वो फॉलोअर्स हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इन्हीं पेरियार के फॉलोअर्स से, करुणानिधि जी जब जिंदा थे मैं अभी तस्वीर देख रहा था अपने मोबाइल में कि कैसे वाजपेयी जी करुणानिधि जी को जो है शॉल पहना रहे हैं। वाजपेयी जी की सरकार में डीएमके के 3 मंत्री थे, उस वक्त कहां गया था ये? आपने तमाम सारे बयान सुन लिए, आपने बीजेपी की नाराजगी को भी सुना, कांग्रेस के बयानों को भी सुना और आम आदमी पार्टी के बयानों को भी सुना, लेकिन देश में हंगामा आखिर बरपा क्यों है? क्यों इस मसले पर इतना ज्यादा आक्रोशित हैं लोग? क्योंकि बात सनातन की है और सनातन को लेकर बयान किसने दिया? उदयनिधि स्टालिन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे। उन्होंने कहा क्या जिसके बाद हंगामा मचा, एक बार गौर से सुनिए। எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள், அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை வந்து நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் வந்து நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். तो ये बयान आया स्टालिन का। इस बयान के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने क्या कहा? क्या इशारों ही इशारों में स्टालिन का समर्थन किया? वो सुनिए। एनी रिलीजियन दैट डज नॉट प्रमोट इक्वालिटी, एनी रिलीजियन दैट डज नॉट एंश्योर दैट यू हैव द डिग्निटी ऑफ of being a human being is not a religion according to me. Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as a disease. आपने प्रियांक खड़गे को सुना, लेकिन आजकल हिंदू धर्म के अगुवाई करने वाले, सनातन की पैरवी करने वाले बाबा बागेश्वर यानी कि पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, स्टालिन के बयान के बाद उनकी भी प्रतिक्रिया आई सनातन को लेकर और उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। सुबह से न्यूज पढ़ रहे थे, दक्षिण भारत के तमिलनाडु के कोई स्टालिन हैं, उनकी बुद्धि फिर गई, उनको अंदर से ऐसा लग रहा जैसे उनका दिमाग खराब हो गया हो, पागलखाने की जरूरत। वो कह रहे हैं सनातन को मिटा देना चाहिए, सनातन को खत्म कर देना चाहिए, जैसे उनके बाप की बापौती हो गए। अरे भाई साहब, सनातन तब तक रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा।
तुम तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी दादा परदादा चलेगा, तुम भी चले जाओगे। सनातन तो मिटाना दूर की बात है, सनातन के एक बच्चे को तुम मिटा नहीं पाओगे। शिवसेना उद्धव ठाकरे और उनकी सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने भी इस मसले पर ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए उन्होंने क्या कहा ये आप देखिए समझिए। वो कहती है कि सनातन धर्म शाश्वत सत्य है, जीवन जीने का तरीका है, विवेक और अस्तित्व का प्रतीक है। सनातन की पहचान खत्म करने के लिए आक्रमणकारियों के हमलों को सनातनियों के लंबे समय तक झेला है, लंबे समय तक सनातनियों ने झेला है, फिर भी वो न केवल जीवित रहे बल्कि फले फूले भी। देश की आधारशिला जो सनातन धर्म से जुड़ी है वो सभी आस्थाओं को पहचानों को शामिल करने की रही है। इसके खिलाफ अपमानजनक बात कहना इस बात से अनजान है कि किसका मतलब क्या है। ये बात ये ट्वीट किया है प्रियंका चतुर्वेदी जो कि शिवसेना उद्धव गुट की राज्यसभा सांसद है। अब आपको ग्राफिक के जरिए बताना चाहते हैं कि सनातन को लेकर कुछ बयान है जो आपको दिखाना चाहता हूं और समझाता भी हूं कि सनातन को लेकर किसकी सोच क्या रही है। महात्मा गांधी ने सनातन को लेकर क्या कहा, मैं अपने को सनातनी हिंदू कहता हूं क्योंकि मैं वेदों उपनिषदों पुराणों हिंदू धर्म ग्रंथों के नाम से प्रचलित साहित्य में विश्वास रखता हूं और अवतारों और पुनर्जन्म में भी विश्वास रखता हूं। यह बात महात्मा गांधी ने कही। अब स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा सनातन के बारे में, इसे गौर से सुनो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मुझे गर्व है कि मैं धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया। हम सभी धर्मों को सच के रूप में स्वीकार करते हैं। M.S. गोलवलकर वो कहते हैं कि सनातन परंपरा ही हिंदू राष्ट्र की वाहक है। वीर सावरकर कहते हैं कि हिंदुत्व हर भारतीय का एक समावेशी शब्द है। सनातन सभ्यता ही हिंदुओं की सभ्यता और संस्कृति है। अब कई बार यह मामला कोर्ट में पहुंचा, जब कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट की सनातन को लेकर टिप्पणी क्या है वो जानना भी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सनातन को लेकर टिप्पणी की है और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हिंदुत्व महज एक धर्म नहीं है बल्कि ये एक जीवन शैली है। तो कुल मिलाकर लेकिन अभी भी बयानबाजी चल रही है, सनातन को लेकर घमासान मचा हुआ है, बीजेपी विपक्षी गठबंधन पर आक्रामक बनी हुई है, लेकिन अभी कुछ और इंतजार करना होगा, ये कुछ और समय तक चलेगा।